लुधियाना पुलिस ने सुलझाए दो ब्लाइंड मर्डर। पहले में पति ही निकला पत्नी का कातिल, दूसरे में नशे संबंधी पैसों को लेन देन को लेकर युवक की हत्या करने वाले पूर्व कांस्टेबल सहित दो गिरफ्तार। महानगर में दो अलग अलग ब्लाइंड मर्डर केसों की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पूर्व कांस्टेबल सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंधी आज यहां सिंगल विंडो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसीपी नरेंद्र भार्गव ने बताया कि पहले केस में थाना जमालपुर के क्षेत्र मास्टर कॉलोनी की गली नंबर 2 में चंद्र कुमार की पत्नी राजमणि का खून से सना शव उसके घर बरामद किया है, जिस पर एडीसीपी सतवीर सिंह अटवाल के नेतृत्व तले बनी टीम ने इस मर्डर केस को 2 दिन के भीतर ही सुलझाते हुए हत्या के आरोप में मृतका के प्रति चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी राजमणि के गैर व्यक्ति से अवैध संबंधों का शक था, इससे उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। दूसरे केस में गांव कटानी कला में वन विभाग की जमीन पर गांव खैरा निवासी युवक जितेंद्र सिंह का शव मिला, जिसमें भी एडीसीपी अटवाल के नेतृत्व वाली टीम ने ही मर्डर केस को हल कराते हुए पंजाब पुलिस के एक डिसमिस कांस्टेबल सरबजीत सिंह उर्फ साबी व आरोपी प्रभजोत सिंह उर्फ रिंकुल को केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशे संबंधी पैसे के लेन देन को लेकर उनका जितेंद्र सिंह से झगड़ा हो गया, इस दौरान जितेंद्र सिंह की मौत हो गई। आरोपियों ने मृतक जितेंद्र सिंह के शव को गांव कटानी कला नहर में फेंक दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। FIR दर्ज हुई सी थाना शिमलापुरी, FIR नंबर 127। जिहड़ा मकान मालिक है उन्हें दस्या सी कि जिहड़े बंदे किराए ते रहिंदे ने उन्हां दी जिहड़ी पत्नी है उसका कतल हो गया। मुढ़ले तौर पर उहदे हसबैंड वल्लों कि उन्हें यह जाहिर किया सी कि वह उन्हें नहीं पता चलिया कोई अनजान व्यक्ति उन्हें मार गए ने, उस ते कमिश्नर साहब वालों स्पैशल तौर पर ड्यूटी लगाई गई सी। मेरी ते मेरे मैं इन्होंने रीजनल DCP साहब ते इन्होंने ACP साहब की ड्यूटी लगाई सी। इन्होंने बड़ा ही मेहनत नाल काम करते हुए 2 दिन च उस कतल केस नूं सॉल्व कर लिया ने। कतल नूं जिहड़ा मरन वाली दा पति सीगा उसे ने उहदा कतल किया सी, उन्हूं शक सीगा कि उहदी पत्नी का चरित्र सही नहीं है, ये उहदी वजह रंजिश बनी, इस करके उन्हें बड़े प्लैनिंग नाल उन्हें उहदा कतल किया ते वापस अपने सहुरिआं कोल चला गया ताकि उसते किसी का शक ना हो। दूजा केस एक व्यक्ति की लाश मिली सी सानेवाल गोम कला, उस वेले ये समझ के जो उस समय इनफॉरमेशन आई सी कि नशा करन दा आदी सी करके इहदी डैथ हुई है, 174 की कार्रवाई की गई। फिर उसके बादशाह ने दोबारा सानू शिकायत की, इसकी पड़ताल करते हुए साड़ी टीम ने 302 का मुकदमा दर्ज किया, भी ट्रेस किया गया। उस मुकदमे जिहड़ा व्यक्ति उसके नाल नशा करने लिए गया सी उसे ने उसका कतल किया, गिरफ्तार कर लिया, पुलिस रिमांड च है, और भी उसको पूछगिछ जारी। पहले 6 स्नेचरों और अब डबल ब्लाइंड मर्डर केसों की सफलता से लग रहा है कि लुधियाना के नए कमिश्नर सरदार परमराज सिंह उमरा नंगल व DCP नरेंद्र भार्गव के आने पर लुधियाना की पुलिस अपनी मुस्तैदी को और मजबूत करने लग पड़ी है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लुधियाना की पुलिस चोरों पर अब अपनी मुस्तैदी कितनी तेजी से दिखाती है। जाति लहर से जसवी जसी के साथ गौतम जलंधरी की रिपोर्ट।